हाँ हेलो एवरीवन। तो जावा नेटबीन सीखने की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम जावा में किसी भी जे पैनल को या फिर जे लेबल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं। तो जैसे कि गाइज आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मेरे पास एक बहुत ही एंग्री सा गुम्बा मैंने जिसकी पिक्चर लगाई हुई है। तो ऑन दी राइट हैंड साइड मेरे पास चार कंट्रोल कीज़ हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये चार कंट्रोल कीज़ हैं। और जैसे ही मैं किसी भी कंट्रोल की के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं जो मेरा गुम्बा है यहाँ पे, जो मैंने पिक्चर लगाई हुई है वो मूव कर रही है। अगर मैंने यहाँ पे अप का बटन लगा रहा हूँ तो ये ऊपर जा रही है फ़ोटो, जैसे मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो नीचे जा रहा है। अगर मैं इसको ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मूव करना चाहता हूँ तो मैं ये वाला बटन प्रेस करूँगा और ये लेफ्ट हैंड साइड को मूव कर रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं इसको राइट साइड पर मूव करना चाहता हूँ तो क्लिक करके राइट साइड पर मूव करवा सकता हूँ। तो गाइज़ ये सारे का सारा जो आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देख रहे हो गाइज़, ये सारे का सारा हमने जावा में प्रिपेयर किया है। और एक बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मैंने किसी भी ग्राफिक्स क्लास की जो ज़रूरत थी, मैंने किसी भी ग्राफिक्स क्लास का यूज़ नहीं किया। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है जो मैंने सिर्फ एक ही फंक्शन से इम्प्लीमेंट किया है। तो होप सो आपको ये सारे का सारा फंडा समझ आ जाएगा। तो चलिए गाइज़ शुरू करते हैं हमारे आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो लेक्चर को। तो चलिए मैं इस विंडो को क्लोज़ कर रहा हूँ यहाँ से क्लोज़ बटन के ऊपर से। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एग्ज़िट हो पा रहा है। तो जैसा कि आपने गाइज इसको नोट किया होगा कि मेरे पास जो विंडो आई थी उसका कोई भी टाइटल बार नहीं था और वो बिल्कुल स्क्रीन के एग्जैक्ट सेंटर में शो हो रही थी। तो गाइज़ अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं सीखा तो आप मेरी पिछले वाली वीडियोस को देख सकते हो। वहाँ पर मैंने ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हम किसी भी जे फ्रेम को अनडेकोरेट कर सकते हैं और कैसे हम उसके टाइटल बार को रिमूव कर सकते हैं, कैसे उसको हम स्क्रीन के एग्जैक्ट सेंटर में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो गाइज़ जाइए पिछली वाली वीडियो को एक बार नोटिस ज़रूर कीजिए, काफ़ी अच्छी वीडियो आपके काम आएंगी। तो चलिए गाइज़ आज की वीडियो लेक्चर को हम डिस्कस करते हैं। मैं शुरू करता हूँ अपने नेटबीन्स के साथ। तो गाइज़ यहाँ पे बैकएंड पे मैंने सारी की सारी कोडिंग कर रखी हुई है। तो मैं सिंपली आपको एक फंक्शन पहले समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ किया है जिसको मैं बोल रहा हूँ सेट लोकेशन। तो गाइज़ अगर आप सेट लोकेशन फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो बेसिकली ये फंक्शन किसी भी कंपोनेंट की लोकेशन को सेट करता है। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूँ गाइज़ तो यहाँ पे दो मेरे पास अपनी अलाइनमेंट्स आएंगी, एक आएगा एक्स और दूसरा आएगा वाई। तो अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं नीचे इसका सिंटेक्स लिखूँ यहाँ पे आपके लिए, तो अगर वो हमारे पास सेट लोकेशन फंक्शन जो होता है, सेट यहाँ पे आपने एल को लिखना है कैपिटल, लोकेशन फंक्शन, तो गाइज़ ये फंक्शन दो मेरे पास आर्गुमेंट लेता है। तो जो पहला आर्गुमेंट होता है वो रहता है एक्स और दूसरा आर्गुमेंट रहता है मेरे पास वाई। तो गाइज़ ये जो एक्स आर्ग्यूमेंट रहता है ये हमेशा हमारा हॉरिजॉन्टल साइन को रिप्रेजेंट करता है कि जो मेरा कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टली कहाँ पे होना चाहिए, किस पिक्सल पे होना चाहिए, ये एक्स बताता है। तो गाइज़ ये जो वाई पिक्सल रहता है ये बताता है कि जो हमारा कंपोनेंट है वो वर्टिकली किस डायरेक्शन में या किस पॉइंट में होना चाहिए, किस पिक्सल को पॉइंट कर रहा है वर्टिकली। सो बेसिकली एक्स रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल एंड देन वाई जो है वो रिप्रेजेंट करता है वर्टिकली। तो गाइज बेसिकली मैंने एक ही फंक्शन यूज़ किया है सेट लोकेशन, तो इसी की हेल्प से मैंने सारे का सारा जो इंटरफेस है उसको बनाया हुआ है। तो चलिए गाइज मैं आपको एक बार इसका इंटरफेस बता देता हूँ और एक एक बार मैं करके दिखा दूंगा आपको, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना एक बार। तो चलिए अगर इसका मैं डिज़ाइन डिस्कस करने चाहूँगा गाइज, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने सबसे पहले एक जे फ्रेम लिया हुआ है। तो जैसे कि आपने पिछले वाली वीडियोस में देखा ही है कि हम कैसे एक जे फ्रेम को इंसर्ट करते हैं, तो आपने करना क्या है गाइज, आपने एक सिंपली जे फ्रेम इंसर्ट कर लेना है। तो जे फ्रेम इंसर्ट करने के बाद गाइज ये मेरे पास दो पैनल्स हैं, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो मेरे पास ये दो पैनल्स हैं, एक ये वाला पैनल है ठीक है ग्रीन सा, और दूसरा जो मेरा पैनल है गाइज ये रहता है मेरा वाइट वाला, दूसरा ये वाइट वाला पैनल है। तो अगर हम बात करें मेरे ग्रीन वाले पैनल की, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला पैनल, ये वाले पैनल की मैं बात कर रहा हूँ, तो गाइज़ इस पैनल पे मैंने एक लगाई है लेबल, ये वाला मैंने इंसर्ट किया है लेबल, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जिसका नाम मैंने दिया है गुम्बा। तो आपको पता ही है कि मैं कैसे यहाँ से एक लेबल इंसर्ट करता हूँ, तो आपने सिंपली क्या करना है यहाँ से सिर्फ एक लेबल को यहाँ पे पुट करना है। तो मैंने यहाँ पे लगाया एक लेबल सिंपली, देन मैंने इसका साइज़ रीसाइज़ करने के बाद राइट क्लिक करके जाना है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो जैसे मैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर गया गाइज, तो यहाँ पे आपने आइकन प्रॉपर्टी सेट करनी है, सबसे पहले इसके फ़ॉन्ट जो टेक्स्ट है उसको एम्प्टी करना है, देन एम्प्टी करने के बाद आपको क्लिक करना है आइकन के ऊपर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए मैंने एक सेपरेट सा एक फोल्डर बनाया हुआ जिसमें मैंने इसी टास्क के रिलेटेड इमेजेस डाउनलोड की हुई थी।
तो यहाँ पे मैंने जो मेरे उस फोल्डर का नाम है एरो, तो मैं यहाँ से अपनी बेसिकली जो गुम्बा डॉट पी एन जी पिक्चर है उसको इंसर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो यही ऐसे ही मैंने ये वाला इंसर्ट किया था। उसके बाद मैंने गाइज यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेंज वेरिएबल पे जाके इसका नाम गुम्बा रख दिया था। तो गाइज बेसिकली यही फंडा मैंने इस ऑब्जेक्ट इस कंपोनेंट के लिए फॉलो किया था। तो ये तो था हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पैनल, जिसको मैंने एक लेबल के तहत लेबल को यूज़ करके इसका जो गुम्बा की पीएनजी थी उसको डाउनलोड करके यहाँ पे फिट कर दिया। तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड हमने चार लेबल्स यूज़ किए हैं, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास गाइज यहाँ पे चार लेबल्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो ये सारी की सारी पीएनजी इमेजेस हैं। सो अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ये वाले आइकन्स खुद बना सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो पे मैंने आपको वेबसाइट एक बताई थी जो बटन बनाती थी, जिसका नाम था बटन ऑप्टिमाइज़र। तो इन नेक्स्ट वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ये खुद के लॉगोस बना सकते हैं, वो भी फ्री, ठीक है गाइस। सो अगली वाली वीडियोज़ में आपको मैं ये वाली वेबसाइट बता दूंगा जहाँ से मैंने ये सारे के सारे लॉगो खुद बना के डाउनलोड किए हैं। तो गाइज बेसिकली ये एक, ये दो, तीन, चार और पाँचवा, ये पाँचों के पाँचों एक मेरे पास पिक्चर्स हैं। तो यहाँ मैंने पिक्चर इंसर्ट किए हैं। बेसिकली पिक्चर आपको पता ही है मैं कैसे इंसर्ट करता हूँ। मैंने एक यहाँ पे लेबल लगाया, देन लेबल को आपने करना है रीसाइज़। तो रीसाइज़ करने के बाद बेसिकली आपने जस्ट फोटो को सेलेक्ट करना है। मैं आपको एक बार करके बता ही देता हूँ। यहाँ से मैंने पैलेट विंडो में लेबल उठाया, यहाँ पे रखा, देन राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है। ओपन करने के बाद टेक्स्ट को एम्प्टी करना है। देन यहाँ से आइकन प्रॉपर्टी पे जाके अपना फोल्डर सेलेक्ट कीजिए और जो भी पिक्चर यहाँ पे लगानी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरी वो पिक्चर लग जाएगी। तो बेसिकली यही जो प्रोसेस था मैंने सभी बटन्स के लिए फॉलो किया हुआ है। तो गाइज इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए कर रहा हूँ डिलीट। तो जैसे ही मैंने गाइज ये चार बटन्स लगाए, उसके बाद मैंने एक बड़ी सिंपल सी कोडिंग की है। आपको पता ही है गाइज के इवेंट्स क्या होते हैं। हम बेसिकली हमने पिछली वाली वीडियोस में भी काफ़ी सारे इवेंट्स लगा के देखे हैं, चाहे वो लेयर्ड पैनल वाला टास्क हो चाहे वो डेस्कटॉप पैनल वाला। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे इस लेबल पे राइट क्लिक करना है। तो जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा गाइज यहाँ पे मेरे पास फोर्थ नंबर पे एक ऑप्शन आती है इवेंट्स की। तो गाइज इवेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली एक्शंस होते हैं कि हम किसी भी अगर चीज़ को प्रेस कर रहे हैं तो उसका क्या हमारे पास रिजल्ट रहेगा। तो इवेंट्स पे जाने के बाद आपको जाना है माउस के ऊपर, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है माउस क्लिक्ड, ठीक है गाइज। तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि ये जो मेरा बटन है ये अप डायरेक्शन में लगा है। तो गाइज आप सपोज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम यहाँ पे जाता हूँ सपोज़ मैं इस पैनल पे, तो सपोज़ गाइज अगर आप नोटिस करें कि ये मान लीजिए कि ये इसकी जो अभी करंट पिक्सल लोकेशन है, जो करंट लोकेशन है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, वो आपको यहाँ से गेट कर सकते हो। वो है गाइज 285 और 268 जो इसका साइज़ है। और दूसरा ये एक्स और वाई पे कहाँ रहेगा, अगर मेरे को अभी ये नहीं पता कि इसकी हॉरिजॉन्टली ये कहाँ पे है, या इसको हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूँ मैं कि हॉरिजॉन्टली ये किस पिक्सल से स्टार्ट हो रहा है या फिर वर्टिकली ये किस पिक्सल पर पड़ा हुआ है। तो गाइज़ इसके लिए जावा मेरे पास दो फंक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो जो मेरे पास पहला फंक्शन रहता है मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो पहला जो मेरे पास गाइज फंक्शन रहता है वो रहता है गेट एक्स, ये फंक्शन रहता है गाइज। तो ये गेट एक्स फंक्शन गाइज क्या करता है, मेरे को किसी भी कंपोनेंट की एक्स लोकेशन बता देता है। ऐसे गाइज मेरे पास दूसरा फंक्शन रहता है गेट वाई। तो ये गेट वाई फंक्शन गाइज मेरे को किसी भी कंपोनेंट की वर्टिकल पोजीशन बताता है कि वो वर्टिकली किस पिक्सल को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों फंक्शन गाइज हमारे आगे काम आने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने इसको पहले बता दिया। आगे बस गाइज आपने क्या करना है, सपोज़ मेरे पास एक पैनल है जिसका नाम है P2, तो मैं अगर उसकी वाई लोकेशन पता करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा P2.getY। तो उसी कंपोनेंट की मेरे पास वाई लोकेशन आ जाएगी कि वो वाई पे वाई ऑन वर्टिकल डायरेक्शन पे कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है। तो गाइज यहाँ पे मैंने क्या हुआ किया हुआ है, सपोज़ अगर यहाँ पे मेरे पास जो ये वाली पिक्चर है वाई डायरेक्शन पे 100 पे पॉइंट आउट कर रही है और एक्स पे भी 100 पे पॉइंट आउट कर रही है, अगर मैं मूव बटन प्रेस करूँगा तो ये पिक्चर ऊपर जाएगी। सो ऑब्वियस ही बात है गाइज यहाँ से स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन है अगर, तो वो यहाँ से शुरू होती है, ऑन दी टॉप राइट एंड टॉप लेफ्ट एंड साइड से शुरू होती है। तो यहाँ पे उसका गाइज होगा 0th पिक्सल, यहाँ पे एज पे कॉर्नर पे, ठीक है गाइज। तो यहाँ से 0 नीचे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो सपोज़ आप मान लीजिए कि मेरा ऑब्जेक्ट वो अभी यहाँ पे है,
मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ एक बार। तो जैसे मैंने पेंट ओपन किया, तो सपोज़ ये वाली, ये है मेरी स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस, जो जो हमारा टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर रहेगा, वहाँ से 0 पिक्सल शुरू होता है। तो सपोज़ 0, 1, 2, 3 ऐसे आगे के बढ़ता जाएगा। तो सपोज़ मेरे पास एक जो ऑब्जेक्ट है वो है अभी यहाँ पे, तो जो उसकी लोकेशन है गाइस वो रहने वाली है अभी सपोज़ 100, 100। सपोज़ अभी वो 100, 100 पोजीशन पे है। तो अगर मैंने इसको मूव अप करना है गाइस, तो जो उसकी एक्स लोकेशन है, तो ये वाली एक्स लोकेशन है जो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 100 देख रहे हो, जो राइट हैंड साइड पे 100 देख रहे हो, वो उसकी वाई एथ लोकेशन है। तो मैं उसकी वाई एथ लोकेशन को कम कर दूंगा। मीन्स अगर मैं इसकी वाई एथ लोकेशन 80 कर दूँ, तो अभी जो मेरा पैनल रहने वाला है, जो ये मेरा कंपोनेंट रहेगा, कंपोनेंट वो यहाँ पे आ जाएगा, कुछ यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 80th लोकेशन पे, ठीक है गाइस। तो ये वाला जो नीचे वाला है, ये हो जाएगा डिलीट यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा ही पूरे का पूरा फंडा मैंने यहाँ पे फॉलो करना है। तो सपोज़ मैं गया फिर से अपने नेटबीन्स के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे को करना है क्या है, सपोज़ मैं जाने वाला हूँ अपने पैनल के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, जो हमारा टॉप मोस्ट बटन है ये वाला, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसका जो इवेंट्स है, माउस इवेंट, यहाँ पे जा रहा हूँ माउस क्लिक के ऊपर। तो मैंने क्या किया हुआ है, गुम्बा गाइस मेरे पास, मैंने जो ये इमेज है उसका नाम गुम्बा दिया हुआ है, ये मैंने जे लेबल लगाया है। इसका जो मेरे पास वेरिएबल नेम है, ये मैंने गुम्बा दिया हुआ है, GOOMBA। सो मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे जाने के बाद गुम्बा डॉट सेट लोकेशन। तो मेरे को अभी इसकी करंट जो एक्स और वाई लोकेशन है उसके बारे में नहीं पता, तो मैंने सिंपली क्या फंक्शन लगाया, गुम्बा डॉट गेट एक्स। तो इससे जो गुम्बा की जो उस पिक्चर की करंट एक्स पोजीशन थी वो मेरे पास आ जाएगी। तो सपोज़ ये 100 थी तो 100 आ जाएगा, ठीक है। देन मेरे को क्या करना है, गुम्बा डॉट गेट वाई, मैंने वाई भी गेट कर लिया, और उसको अभी मैंने कर दिया -20। -20 मीन्स अगर उसकी करंट लोकेशन अभी 100 है, तो वो हो जाएगी 80, और वो अपने आप गाइस 20 पिक्सल ऊपर मूव कर जाएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट मैंने नीचे फॉलो किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ये वाला बटन के ऊपर इवेंट लगाऊं, इवेंट देन माउस, देन माउस क्लिक के ऊपर जाऊं, तो यहाँ पे गाइज मैंने लिखा हुआ है गुम्बा डॉट सेट लोकेशन। एक्स की वैल्यू उसकी अभी भी यही रहेगी, क्योंकि मैं इस पूरी की पूरी पिक्चर को ऑन दी वाई डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूँ, वर्टिकली मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी नीचे आने वाला डाउन जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है गुम्बा डॉट गेट वाई +20, क्योंकि अगर वो जो मेरा इमेज अभी 100 पिक्सल पे रिप्रेजेंट कर रही है, पॉइंट आउट कर रही है 100 पिक्सल पे ऑन दी वर्टिकल डायरेक्शन एक्सेस, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसमें 20 ऐड कर दूंगा, तो वो बन जाएगा 120। तो वो ऑटोमेटिकली 20 पिक्सल नीचे आ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है मेरे वाई डायरेक्शन के लिए, और ये सेम जो मेरा प्रोसीजर रहेगा फॉर लेफ्ट हैंड साइड। अगर हॉरिजॉन्टली आपने मूव करना ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो मैं एक्स पे चेंजेस करूँगा। ये देखिए मैंने एक्स पे चेंजेस किए, ऐसे मैंने वाई पे चेंजेस किए। अगर मैंने सपोज़ यहाँ, जैसे आप इस कर्सर को देख लीजिए ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पर मूव करना है, तो मैं जो गेट एक्स है यहाँ पर, ये जो गेट टैक्स है, इसमें से 20 माइनस कर दूंगा। अगर सपोज़ उसकी 100th पोजीशन है, 100 से एक्स लोकेशन जो उसकी 100 है, अगर -20 करूँगा, तो वो एक्स के ऊपर एक्स डायरेक्शन में 80th पिक्सल को पॉइंट आउट करने लग जाएगा, जो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर जाएगा। ऐसे अगर मैं उसमें 20 जोड़ दूँ, 20 ऐड कर दूँ, तो वो ऑटोमेटिकली ऑन दी राइट हैंड साइड मूव कर जाएगा। तो गाइज ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही ईजी, जैसे मैंने बहुत ही इंटरेक्टिव ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बनाया हुआ है। एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रही है इसकी। चलिए नीचे से इसका साइज़ दोबारा से हम सेट कर लेते हैं। चलिए इसको करते हैं फिर से सेव एक बार, देन प्रेस करते हैं शिफ्ट +F6। गाइज़ अगर आपको नहीं पता कि शिफ्ट F6 क्या काम करता है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर मैंने किसी भी फाइल को इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर फाइल को रन करना है, तो मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट F6। तो जैसे मैंने शिफ्ट F6 प्रेस किया, अभी भी इसके जो बटन है, चलिए देखते हैं इसको। हाँ तो चलिए गाइज, इसका जो मैंने इस पैनल का साइज़ है, राइट क्लिक करने के बाद इसको रीसेट किया है, तो यहाँ से मैंने कर दिया है इसको पूरा परफेक्ट 800x500। तो जो वाइट वाला पैनल आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हो, उसका साइज़ मैंने रखा है 300x500, तो टोटल बन जाएगा 1100x500। तो इसको सेव करके मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ से गाइज, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास एक जो मेरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसको
इसको पहले डॉन्ट सेव करते हैं। तो जैसे मैं इसको मूव अप कर रहा हूँ तो ये मूव अप कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी जा रहा है तो राइट नीचे भी आ रहा है, और ऐसे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी जा रहा है। तो गाइज़ ये था एक सिंपल सा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको मैंने सिर्फ एक फंक्शन की हेल्प से हमने परफॉर्म किया है। तो होप सो आपको ये सारे का सारा आज का फंडा समझ आ चुका होगा। तो आप इसको वीडियो को देखिए, एक बार इम्प्लीमेंट भी करके देखिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो अच्छी हो सके, और हो सकता है आप इससे भी ज़्यादा बढ़िया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाएं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस उसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ वाले बेल आइकन्स को भी एक बार गाइस दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में जितनी भी मेरी अपडेट्स आएँ आपको सबसे पहले मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग।